शुरू करो बाइनोमियल, प्लीज इधर फोकस नाउ, ठीक है, छोड़ दो सब, कन्वेंस छोड़ दो, फिलहाल छोड़ दो, पहले समझ लो बाइनोमियल क्या, ठीक है। प्लीज बाइनोमियल अलजेब्रा के अंदर टू टर्म्स को बोला जाता है, बाइनोमियल तीन, राइट। बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम क्या है कि टू टर्म्स की पावर रेज करना, ए प्लस बी की पावर टू, ए प्लस बी की पावर थ्री, ए प्लस बी की पावर फोर, ए प्लस बी की पावर फाइव। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मुला जो है वो पावर थ्री तक है, पावर फोर का भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मुला नहीं है हमारे पास, राइट। ए प्लस बी का क्यूब, दैट्स इट, इसके अलावा नहीं है हमारे पास, राइट। तो पावर थ्री, पावर फोर, पावर फाइव वगैरह कैसे करनी है, इन सब चीजों का जनरलाइज क्या है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। मोटे समझ में आया, टू टर्म्स की पावर रेज करना, दैट्स इट, ये बाइनोमियल थ्योरम, राइट। इसके लिए बिल्कुल इसका बेस जो है, राइट, वो है पास्कल ट्राइंगल। वी स्टार्ट विद द पास्कल ट्राइंगल, ठीक है। तो पास्कल ट्राइंगल क्या है, देखो वन वन वन, ठीक है, वन 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 से एक ट्राइंगल बनाएंगे। अब इसका जो अगला रो आएगा उसके एक्सट्रीम कॉर्नर हमेशा रहेंगे वन वन, और अंदर वाली जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ऊपर वाले एलिमेंट्स का एडिशन। तो वन वन, अब इन दोनों का सम टू, ठीक है, ऐसे। अब स्पाइडर वेब टाइप बन जाएगा, देखो एक्सट्रीम कॉर्नर वन वन, आगे इन दोनों का सम थ्री, इन दोनों का सम थ्री, एक्सट्रीम कॉर्नर वन वन, इन दोनों का सम फोर सिक्स, फोर वन वन फाइव, टेन टेन फाइव एंड वन, एक्सट्रीम कॉर्नर अगेन वन वन सिक्स, फिफ्टीन ट्वेंटी, फिफ्टीन सिक्स एंड वन एंड सो ऑन चलता रहेगा, ये समझे। अब ये सोचो कि अगर अगली वाली रो निकालनी है उसके लिए मेरे को इन दोनों का सम कर करके निकालना है, तो पिछली वाली रो पता होनी चाहिए, इसके लिए मेरे को पिछली वाली पता होनी चाहिए, इसके लिए मेरे को, तो मतलब अगर इसकी एक पर्टिकुलर रो तक जाना है तो मेरे को पिछला वाला सारा का सारा ट्राइंगल पता होना चाहिए, तभी जाके मैं जा सकता, अदरवाइज मैं नहीं जा सकता। अदरवाइज मैं एक पर्टिकुलर रो के ऊपर डायरेक्टली पास्कल ट्राइंगल से नहीं जा सकता, ये समझ में आया। अब ये नंबर जो है, ये नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, अपने को ये समझ, पॉइंट समझ में आया, ये नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पे यूज होंगे, कैसे होंगे, ध्यान से देखो। ये जो है x प्लस वाई की पावर वन, x प्लस वाई की पावर टू, x प्लस वाई की पावर थ्री, x प्लस वाई की पावर फोर, x प्लस वाई की पावर फाइव, x प्लस वाई की पावर सिक्स एंड फोर के कोफिशियंट, जैसे x प्लस वाई की पावर टू क्या होता है, ए ए ए ए ए बोलो, सही होता है। बट अभी ध्यान से चीज ना, एक चीज याद करना, जब भी तुमने किसी बुक में इस चीज को रीड किया तो तुमने ये रीड नहीं किया, तुमने रीड किया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऑर्डरिंग ये होती है हमेशा, अगर कभी होती है ऑर्डरिंग ये वाली कभी नहीं मिलेगी, हमेशा ये ऑर्डरिंग मिलेगी, वाई, बिकॉज ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। अभी ऑर्डरिंग के, इन दोनों की ऑर्डरिंग में फर्क क्या है, ध्यान से देखना, इसको मैं ना एक्स एंड वाई की टर्म छोड़ के इसको मैसेज लिखूंगा, एफ टी मतलब फर्स्ट टर्म, एस टी मतलब सेकेंड टर्म, यहां पे जहां जहां पे एक्स आ रहा है उसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, और वहां पे टू एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एफ टी यानी कि फर्स्ट टर्म की जगह ले लेगा, बस बात, राइट। सेकेंड वाली टर्म एस टी, अब ध्यान से देखो इसके अंदर ये जो बुक्स में पैटर्न दिया होता है इस पैटर्न का, एंड ये चीज के लिए एग्जैक्टली टर्म्स का कोएफिशिएंट लाने का मतलब क्या है, या ये इसको यूज कैसे करना है, राइट, उसके लिए मेरे को ये ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट टर्म के अंदर क्या है, फर्स्ट टर्म की पावर टू, सेकेंड टर्म के अंदर क्या है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म की पावर वन, एंड ये क्या है, मतलब कोफिशियंट नहीं अभी लिख रहा, सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट लिखता, ये क्या है, सेकेंड टर्म की पावर। अब ध्यान से देखो एक्चुअली में पता क्या चीज जा रही है, क्या से जा रहा है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इसकी पावर टू, पावर जीरो। अब जो पावर जिसके हाईएस्ट, फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर से शुरू करते हैं, सेकेंड टर्म की लोएस्ट पावर से शुरू करते हैं, अब जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उसकी एक पावर कम करते रहते हैं, जिसकी लोएस्ट पावर होती है उसकी एक पावर बढ़ाते बढ़ाते रहेंगे, तो पावर टू, पावर वन, पावर जीरो, पावर जीरो, पावर वन, पावर टू। अब ये जो चीजें आएंगी इनका कोफिशियंट एक्चुअली में दे रहे वन टू वन, तो वन टू वन इनको ऐड कर दो भैया, ये हमारा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। दोबारा अगर मेरे को एक्स प्लस वाई की पावर फोर लेना है,
एक्स प्लस वाई की पावर 4 में जितने भी टर्म आएंगी उनका क्वेश्चन क्या होगा? 1 4 6 4 1। लेकिन रैंडमली किसी भी टर्म का क्वेश्चन 1 4 6 4 1 कैसे पता चलेगा? कौन सी टर्म का क्वेश्चन भैया 4 है, कौन सी टर्म का 6 है, कौन सी टर्म का 1 है, कौन सी टर्म का ये वाला 4 है, कौन सी टर्म का ये 1 है, कैसे पता चलेगा? ये इस तरीके से पता चलेगा। क्या फर्स्ट टर्म उठाओ एक्स, सेकेंड टर्म वाई। अब इसकी हाईएस्ट, इस फर्स्ट टर्म की हमेशा हाईएस्ट पावर से शुरू करना है। हाईएस्ट पावर क्या जाएगी इधर? 4। तो 4 लोएस्ट क्या जाएगी? 0। अब प्लस मतलब इनका टर्म्स बना लो पहले। अब इसकी एक एक पावर कम करते रहो, दूसरी की एक एक पावर बढ़ाते रहो, क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब वाई की पावर 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई क्यूब, एक्स की पावर 0 वाई की पावर 4। अब इनका देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब लिखो इधर 1 4 6 4 1। क्या बना है? एक्स की बार 4, 4x³ बाय 6x² वाई स्क्वायर, 4xy³ प्लस वाई की पावर, डन। ये एक्स प्लस वाई की पावर 4 आ गया, राइट? समझ में आया किस ऑर्डर में करना है? तो एक्चुअली में पास्कल ट्रायंगल क्या करता है, हमें एक्स प्लस वाई की पावर अगर रेज करनी है उनके कोफिशिएंट्स प्रोवाइड करता है, बट रैंडम ऑर्डर में नहीं कोफिशिएंट प्रोवाइड करता, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कोफिशिएंट प्रोवाइड करता है। एंड व्हाट एक्चुअली इज दैट ऑर्डर? फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर से शुरू करो, साथ में भैया आप देख इधर, साथ में सेकंड टर्म की लोएस्ट पावर 0 से शुरू करो, राइट? एंड जिसकी हाईएस्ट पावर है उसकी एक एक पावर कम करते रहो, जिसकी लोएस्ट पावर है उसकी एक एक पावर बढ़ाते रहो। अब जो टर्म्स बन के आएंगी उन टर्म्स के कोफिशिएंट ये होंगे, अगेन पावर 4 हो गए, पावर 5, पावर 6, लेट्स से पावर 5 का कर लो, तो क्या आएगा? एक्स की पावर 5, वाई की पावर 0, आगे एक्स की पावर 4, वाई की पावर 1, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 3, एक्स की पावर 1, वाई की पावर 4, एक्स की पावर 0, वाई की पावर 5। क्या क्वेश्चन आ रहे हैं इनके? 1 6 15 20 15 6 1, पावर 5, सॉरी पावर 5, 1 5 10 10 5 1, तो 1 5 10 10 5 1 ऐड कर दो, डन। तो क्या आएगा? एक्स की बार 5 प्लस 5x³ बाय 10x³y² 10x² y³ 5xy³ 4 प्लस वाई की पावर 5। ये भैया एक्स प्लस वाई की पावर 5 आ गया। अब इसका मतलब तुम्हारे पास चाहे एक्स प्लस वाई की पावर 4, एक्स प्लस वाई की पावर 5 के फॉर्मूला नहीं है, बट से तुम निकाल सकते हो। ये चीज है हमारी बाइनोमियल का। लेकिन इसके अंदर एक मेजर ड्रॉबैक पास्कल ट्रायंगल के अंदर, अगर पास्कल ट्रायंगल को यूज करके हम अगर एक्स प्लस वाई की पावर 2 3 4 5 6 निकाल रहे हैं तो इसका एक ड्रॉबैक है। क्या? अब देखो ये वाली रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पावर 6 के क्वेश्चन। अगर मेरे को पावर 10 के क्वेश्चन चाहिए तो इसके आगे 2-3 और रोज आगे जाना पड़ेगा। अब यार 10th रो के लिए मेरे को 9th रो पता होनी चाहिए, 9th के लिए, क्योंकि इन्हीं को ऐड कर करके अगली वाली रो पता चलती है, तो मेरे को पूरा का पूरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अच्छा मान लो एक्स प्लस वाई की पावर 100 चाहिए तो पेपर में तो एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये इसका ड्रॉबैक है, राइट? कि हर एक रो जो है ये पिछली वाली रो पे डिपेंडेंट है, हर रो पिछली वाली पे डिपेंडेंट है, तो किसी भी रो पे जाना मेरे को पूरा का पूरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? तो इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट होगा, राइट? अब इसका ऑल्टरनेट बताता हूँ क्या होगा, पहले नोट कर लो। कोई डाउट इसमें? श्योर ये समझ में आया? पहले नोट कर लो, शाबाश। इसी को यूज करके 2x - 3x⁴ ओपन करना कैसे करोगे? सबसे पहले लेट्स फिगर आउट फर्स्ट टर्म किसको लेके जाना है, सेकंड टर्म किसको लेके जाना है, पहले वो फिगर आउट, क्योंकि नेगेटिव है, राइट? तो इसके लिए हम करेंगे 2x + -3/x की पावर 4। विल कंसीडर 2x एज फर्स्ट टर्म एंड -3/x को सेकंड टर्म। करो जरा एक्सपेंड जल्दी, वो भी ले सकता है और एक्स की पावर 4 बाहर कर ले, बट स्टिल नेगेटिव वाली चीज को कैसे हैंडल करना तो मैं वो बता, जल्दी जल्दी जल्दी।
ये फर्स्ट टर्म एक्ट करेगा, ये सेकंड टर्म, तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म 2x की पावर 4, सेकंड टर्म माइनस 3 बाई एक्स की पावर 0, फिर इसकी पावर एक कम हो जाएगा, इसकी एक पावर बढ़ता रहेगा, तो 2x की पावर 3 माइनस 3 बाई एक्स की पावर 1, फिर 2x की पावर 2 एंड माइनस 3 बाई एक्स की पावर 2, फिर इसकी एक और पावर कम हो जाएगा, तो 2x की पावर 1 माइनस 3 बाई एक्स की पावर 3, फिर 2x की पावर 0 माइनस 3 बाई एक्स की पावर 4, राइट। अब ये पांचों टर्म के क्वेश्चन क्या आएंगे, 1, 1, 4, 6, 4, 1, तो 1, 4, 6, 4, 1, अब इनको कर दो ऐड, ये बनेगा मेरा, राइट। नाउ लेट्स सी क्या बन रहा है, देखो 1 तो गया, ये गया क्योंकि इनफिनिटी पर 0 इस बार, तो बचा 2 की बार 4, 16 एक्स की बार 4, बिल्कुल। अच्छा ये अब देखो, इसका पावर माइनस माइनस की पावर 1 होने के कारण ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो 2 का क्यूब 8, 8 फॉर द 32, 32 इंटू 3 96, बाकी बचा x की पावर 3 और नीचे x, तो कट के क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, हाँ इधर x की पावर 3 और नीचे x की पावर 1 ना, तो कट के x की पावर 2 आ गया। अब आगे 2 की पावर 24 एंड 3 की पावर 2, 9, 24 इंटू 9 216, ठीक है, 24 इंटू 9 240 माइनस 24 216, अच्छा माइनस की पावर 2 हो रहा है तो माइनस साइन नहीं आएगा, तो प्लस 216। अब देखो एक्स स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो कट गया, गया गया एक्स स्क्वायर। अब इधर अगला 3 की पावर 3 27, 2 4 टू द 8 27 इंटू 8 216, लेकिन ये माइनस की पावर ओड है तो माइनस साइन भी आ जाएगा, प्लस एक्स की पावर 1 ऊपर है और नीचे एक्स की पावर 3 है, तो कट के क्या आ जाएगा, नीचे एक्स की पावर 3, ठीक है। और लास्ट टर्म ये तो पावर 0 1, ये 1, तो बचा ये माइनस की पावर 4 है तो प्लस 3 की पावर 4 9 की पावर 2, तो दैट इज 81 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, तो ये आया एक्चुअली में मेरी पांच टर्म, इसकी या इसकी पावर 4 ओपन करके। क्लियर हुआ कैसे करना है, कंफर्टेबल, देख लो जो भी मन में अभी डाउट था निकाल दो, डन, श्योर, चले आगे। अब एक्चुअल बायनोमियल थ्योरम शुरू कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये तो पास्कल ट्रायंगल था, इसकी एक लिमिटेशन, आगे आगे पावर नहीं निकाल सकता, अब इसको जनरलाइज करते, ठीक है, कैसे, हटाओ इसको, मैं वही बोल रहा हूँ ना, नहीं बनाएंगे अब, पावर 97 दिए तो 97 तक कैसे बनाएगा, ध्यान से देखना आप, इन्हीं ये जो पास्कल ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को लिखने का एक और तरीका होता है, सी की फॉर्म, जो कॉम्बिनेशन वाली थी, राइट, उनको लिखने का तरीका क्या, प्लीज ध्यान से देखना, ये जो चीज लिखी है इसको लिखा हमने 0 3 0, ये 0 के अकॉर्डिंगली, ये 1 के अकॉर्डिंगली, ये 2 के अकॉर्डिंगली, पावर लेते हैं हम, 1 के अकॉर्डिंगली आ जाएगा 1 C 0 1 C 1, ये अगला 2 के अकॉर्डिंगली 2C0 2C1 2C2, तो ध्यान से देखो हर एक का कहां से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करके उस नंबर तक जाएंगे। अब अगला जैसे 3 का है, तो 3C0 3C1 3C2 3C3, तो क्या आएगा 3C0 3C1 3C2 3C3। अब अगला 4 का है, तो क्या जाएगा 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। अब अगला 5 का, तो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। अब अगला
अभी रुक जाओ, अब अगला 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 एंड सोन चलता रहेगा। अब इसके अंदर देखो किसी भी रूप में जाना है, अब पिछले वाले की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर 15th में भी जाना है तो 15C0, 15C1, 15C2, 15C3, so until 15C15, तो हर एक रो मेरे को बता। तो अब ये जो चीजें हैं ये कोफिशिएंट एक्ट करेंगे किसके, जैसे ये है ये किसके एक्ट करेंगे कोफिशिएंट, एक्स प्लस वाई की पावर 6। तो अगर मेरे को एक्स प्लस वाई की पावर 6 निकालना है तो क्या आ जाएगा भाई, पता ही किधर, एक्स प्लस वाई की पावर 6 निकालना तो क्या आ जाएगा, पहले एक्स की पावर 6, वाई की पावर 0, फिर एक्स की पावर 5, वाई की पावर 1, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 2, एक्स बार 3, वाई की पावर 3, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 4, एक्स की पावर 1, वाई की पावर 5, एक्स की पावर 0, वाई की पावर 6। अब इनके क्वेश्चन क्या है तुम्हारे, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 प्लस 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 प्लस, ये मेरा एक्स प्लस वाई की पावर 6। सिमिलरली अगर मेरे को एक्स प्लस वाई की पावर लेट से 10 चाहिए तो क्या आएगा, एक्स की पावर 10 से शुरू होगा, वाई की पावर 0 हटा दिया, अगला एक्स की पावर 9, वाई की पावर 1, अगला एक्स की पावर 8, वाई की पावर 2, अगला एक्स की पावर 7, वाई की पावर 3 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा, एक्स की पावर 0 हो जाएगा और वाई की पावर 10। राइट, अब इनके कोएफिशिएंट 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, टोटल 10C10, सबको ऐड कर दो, डन, ये एक्स प्लस वाई की पावर है, क्लियर हुआ, कंफर्टेबल, ये नोट करो। जिनका हो गया वो ये एक्स माइनस वन बाय एक्स की पावर 7, ये एक्सपेंड करना, एंड ये सारी टर्म्स। देखो तो एक्स प्लस वाई की पावर 6 प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 6, ठीक है, और दोनों को ऐड करोगे, कुछ कुछ टर्म्स इसकी, इसकी तो सारी पॉजिटिव टर्म आएंगी, इसकी कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होंगी, नेगेटिव वाली एग्जैक्टली कट जाएंगी, तो जो पॉजिटिव वाली होंगी उसका ट्वाइस हो जाएगा, तो जो क्या करोगे, एक्सपेंड करना है और काट के जो बचेगा ऐड करके लिखना है, बस बात करें। देखो पहले ये वाला क्या आ जाएगा, 7C0 फर्स्ट टर्म एक्स की पावर हाईएस्ट माइनस वन बाय एक्स की पावर 0, फिर 7C1 एक्स की पावर फर्स्ट टर्म की पावर 6 हो जाएगा एंड माइनस वन बाय एक्स की पावर 1 हो जाएगा, फिर 7C2 एक्स की पावर 5 हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स की पावर 2 हो जाएगा, फिर 7C3 एक्स की पावर 4 हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स की पावर 3 हो जाएगा, फिर 7C4 एक्स की पावर एक और कम होकर 3 हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स की पावर 4 हो जाएगा, फिर 7C5 एक्स की पावर 2 हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स की पावर 5 हो जाएगा, एंड 7C6 एक्स की पावर 1 हो जाएगा एंड माइनस वन बाय एक्स की पावर 6 हो जाएगा, एंड 7C7 एक्स की पावर 0 हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स की पावर 7 हो जाएगा। राइट, अच्छा तो व्हाट इज 7C0, दैट इज 1, 1 तो सिंपली एक्स की पावर 7, ये 7 हो गया, ये माइनस, तो माइनस 7 एक्स की पावर 6 बाय एक्स की पावर 1, तो बचेगा एक्स की पावर 5, माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 7C2 कितना होता है
21 x^5 डिवाइडेड बाय x^2, तो x^3, एन माइनस वन का स्क्वायर तो माइनस वन ही हो रहा है। ठीक है, अगला 7c3, 7c3 कितना है, 35, और 7c17 है, 7c27 है। ठीक है, 7c3 35, ये इसका नेगेटिव आएगा, x^4 डिवाइडेड बाय x^3, तो ये बचेगा x^1। ठीक है, अगला 7c4b35 है, इधर -1^4 प्लस हो गया, तो बचा x^3 डिवाइडेड बाय x^4, कट के आ जाएगा नीचे x, तो (x)(1)x, मतलब 35/x आ गया। अगला 7c5 जो है वो तुम्हारा 21 है, तो 21 इसका -1^5 का नेगेटिव आ जाएगा, एंड x^2 डिवाइडेड बाय x^5, तो नीचे आ जाएगा x^3। अगला 7c6 7 होता है, राइट, इधर प्लस हो जाएगा x^6, तो नीचे बनेगा x^5। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये नेगेटिव आ गया, -1/x^7, तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन गया। क्या आ जाएगा इसका, 6c0 x^6 y^0, 6c1 x^5 y^1 प्लस 6c2 x^4 y^2, 6c3 x^3 y^3, 6c4 x^2 y^4, 6c5 x^1 y^5, एंड प्लस 6c6 x^0 y^6। अब नेगेटिव वाला 6c0 x^6 - y, देखो इसको ऐसा लिख देंगे, प्लस -y^6। ठीक है, तो इधर -y^0, बेसिकली y^0, इधर -y^1, तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, 6c1 x^5 y^1, बेसिकली जहां जहां पे y^ ओड आ रहा है वो वाली टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी, जहां जहां पे -y^ इवन है वहां वहां पे रहेगा प्लस, तो यहां पे प्लस रहेगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर प्लस होएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर प्लस रहेगा। अब इनको जब ऐड करोगे जो नेगेटिव वाली टर्म है वो कट जाएंगी, इसलिए मैंने बोला था फर्स्ट नहीं सेकंड कटेगी, फोर्थ कटेगी, सिक्स्थ कटेगी, एंड फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवंथ वाली टर्म का ट्वाइस हो जाएगा। देखो ये वाली टर्म सेम ऐड करेंगे ट्वाइस हो जाएगा, 6c0 x^6, ये y^0 इज 1, अच्छा 6c0 ये भी 1 होता है। अब इधर 6c2 15, राइट, तो ये आ गया 15 x^4 y^2, अच्छा 6c4 ये भी 15 x^2 y^4, एंड व्हाट अबाउट 66, वो भी 1 होता है, और x^0 गया तो y^6, तो सिंपली y^6, तो ये मेरा एक्चुअली आंसर। क्लियर हुआ, श्योर, इंप्लीमेंट बेसिक बाइनोमियल थ्योरम कैसे इंप्लीमेंट करनी समझ में आया, हो जाएगा श्योर, चलो यहीं से कल कंटिन्यू करते हैं।